हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। पिछली क्लास में हम सम ऑफ एंड टर्म के बेस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की भी क्लास जो हमारी होगी वो हमारी उसी टॉपिक के क्वेश्चन के बेस पर होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम आज आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा सम ऑफ एंड टर्म वाले टॉपिक पर, वो है क्या, वो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एफ ई इफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म विल बी 14 एंड 18। बोल रहा है आपको फर्स्ट 51 टर्म निकालने, मतलब एस 51 निकालना है आपको, है ना। और साथ ही में हमको गिवन क्या क्या हुआ है, गिवन हमको दिया हुआ है ए टू इज इक्वल टू 14 एंड ए थ्री इज इक्वल टू 18, है ना। क्या दिया हुआ है, ए टू और ए थ्री दिया हुआ है। अगर हम इसको अगर इक्वेशन सॉल्व करना चाहती है कुछ इस प्रकार बनेगा, a प्लस डी बराबर 14, है ना, a2 बराबर। और अगर इसको बताएंगे तो ये बनेगा a प्लस 2d बराबर 14। n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 2, n माइनस 1 3 माइनस 1 2, n माइनस 1 2 माइनस 1 d बचा, और यहाँ क्या बचा 18। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 2 को चलिए सॉल्व करते हैं, 2 में से 1 को घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18, और ये हो जाएगा a प्लस d बराबर 14। यहाँ माइनस कर देंगे कट जाएगा, इसमें से इसमें माइनस करेंगे 4, और ये माइनस हो गया, d बराबर हमको कितना आ गया 4 आ गया। a फाइंड करना है तो a उठा के इस पर रख दीजिए, कितना आएगा a प्लस d, और ये कितना है 14, प्लस का उधर गया माइनस का, तो a बराबर हमको कितना मिल गया, यहाँ से 14 में 4 गया मिल गया 10। कितना मिल गया 4 और 10 मिल गया। तो अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसका आंसर, एस 51 का। तो चलिए निकालते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, Sn वाला लगेगा। Sn वाला कौन सा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, n की वैल्यू हमारी यहां से गिवन है, ये हो गया a निकाल लिया हमने, ये d निकाल लिया, s 51 निकालना है, फाइंड द सम ऑफ 14 एंड 18। तो यहां देखिए अगर हम रखेंगे n इज इक्वल टू क्या 51 डिवाइडेड बाय 2, ये 2a मतलब 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 50 माइनस 1, और d हमारे पास कितना गिवन है, d हमारे पास गिवन है 4, मतलब हमने निकाला है। आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 51 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 ट्वेंटी ए 2 और 10 हो गया 20, प्लस 50 चौक कितना हो गया 200, 5 चौक 20 हो गया ना, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो ये हो गया 51 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 200 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, और अगर इसको काटेंगे तो आएगा 110। अगर हम 51 और 110 का गुणा करेंगे तो हमारा कौन सा टर्म मिल जाएगा, एस 51 टर्म मिल जाएगा। तो 11 और ये 51, 1 1 7 1 1 7, 5 1 7 मतलब 6, 5 1 7 मतलब आंसर कितना आएगा 5 5 6 1 0, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो जब कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, स्टेटमेंट टाइप का, कि सेकेंड और थर्ड टर्म दिया है, थर्ड और फोर्थ टर्म दिया है, तो आप इक्वेशन बना के इस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसमें इक्वेशन नहीं बना सकते तो आपको कुछ कॉमन सेंस लगानी, जैसे यहाँ दिया है ए थ्री 18, यहाँ ए टू 10, मतलब कितने का गैप है 4 का गैप, और अगर 4 का गैप करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा 10 मिलेगा, जो कि हम निकाल चुके थे। और डी तो हमारा क्या होता है ए टू माइनस ए वन, अगर दो टर्म दिए तो ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए टू करेंगे 4, चाहे जो माइनस करेंगे ए थ्री माइनस ए टू करेंगे, ए फोर माइनस ए थ्री करेंगे, तो डी तो हमेशा सेम आना ही है, ठीक। तो आप कुछ इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ऐसे नंबर का सम ज्ञात करना है जो पहले 8 के गुणे हो 15, है ना। जैसे देखिए पहला क्या हो जाएगा 8 गुणे 1 हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा 8 गुणे 2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा 8 गुणे 3। इसी तरह चलते चलते कहाँ पहुंचेगा 8 गुणे 15 पर, है ना। कहाँ पहुंचेगा 8 गुणे 15 पर। तो कितना फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो आगे चलेंगे आप जरा इसको करिए तो 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 24 हो गया, ये बढ़ते बढ़ते हो गया 120 पर। हमको क्या निकालना है, Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, n कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये तो हो गया हमारा कितना,
एक मिनट हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन मिसप्रिंट है? मिसप्रिंट देखता हूँ, मिसप्रिंट नहीं है। ठीक है, यहाँ बोला है फर्स्ट 15, तो n हमारे पास कितना गिवन है, 15 गिवन है, तो n बाई 2 डिवाइडेड बाई a प्लस एल। ए कितना गिवन है हमारे पास, 8। l कितना दिया है हमारे पास, 120। आगे चलते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू 120, 8 करेंगे हो जाएगा हमारा कितना, 128, हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको काटते हैं, 2 6 12, 2 4 8, और एस एन की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ 15 ठीक से लिख लेते हैं, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 5 4 20, 2 कैरी, 6 5 30, 4 34, 2 36, 3 कैरी, 6 1 6 3 9, 960 आ गया एस एन की वैल्यू, और यही हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, हमने इस फॉर्मूले से क्यों किया, हमने इस फॉर्मूले से इसलिए किया क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता था, फर्स्ट टर्म पता था, और एन हमको पहले से ही गिवन था जो कि हमारा कितना था, 15 था। ठीक, तो आप दूसरे क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिवाइडेड हो किससे, 6 से। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 6 से डिवाइडेड वाला नंबर, 6 ही आएगा। फिर क्या आएगा, 12 आएगा। फिर क्या आएगा, 18 आएगा, है ना। तो डॉट डॉट हमको कितना तक निकालना है, 40 तक निकालना है, 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस एन वाला लगेगा। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a+n-1 d। ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि हमको यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। आगे करते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू एन कितना दिवन है हमारे पास, एन हमारे पास 40 दिवन है, 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 6 + 40 − 1, और d कितना है, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो d हमको मिल जाएगा 6। आगे काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 20, और 2 छंग हो गया 12, 40 में से 1 गया 39, और 39 अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 9 छंग 54, 5 कैरी, 6 3 18, 5 23, कितना आ गया, 234, है ना। आगे सॉल्व करिए, तो 20 234 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 246। इनका मल्टीप्लाई कर लेते, 6 2 12 1 करी, 4 2 8 1 9, और 2 2 4, मतलब 4920, इसका क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप कुछ इस प्रकार से तीसरे वाले का भी आंसर कर सकते हो। आप चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, कि इन एपी फर्स्ट टर्म इज 5, कितना, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45, एंड सम ऑफ एन टर्म, मतलब एस एन इज इक्वल टू दिया 4, सो फाइंड द एन एंड डी। एन आराम से फाइंड हो जाएगा, कौन सा फॉर्म लगाना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। एस एन कितना गिवन है, 4, सो एन पता नहीं है, ये 2 दिया हुआ है, ए 45 गिवन है, और एल हमारे पास कितना गिवन है, 5, सॉरी ए 4 5 गिवन है, और एस एन हमारे पास कितना गिवन है, 45 गिवन है। तो ये 400 डिवाइडेड बाई एन बाई 2, ये 45 5 कितना हो गया, 50, अगर हम इससे इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, ये मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, तो ये हो गया 25 और ये हो गया एन, अगर हम इसमें काटेंगे तो कितना आएगा, 8 16 8 6 24, ये हो गया 5 5 45, 5 8 40, और ये कट गया कितना आ गया, 16, तो एन हमारा कितना पता चल गया, 16। अब हम डी कैसे निकालेंगे, डी हम निकालेंगे ए एन वाले फॉर्मूले से, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना गिवन है हमारे पास, 45, ए कितना गिवन है, 5, प्लस एन कितना निकाले हमने, 16, तो 16 − 1 मल्टीप्लाई बाय डी, प्लस का इधर आया माइनस का, तो 45 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 40, और ये है एन माइनस वन, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15, और ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में इसके साथ, 16 में से 1 गया 15 डी, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में, 40 डिवाइड बाई 15 डी, काट दीजिए, 5 8 40, 5 3 15, डी हमारा कितना आ गया, 8/5, ये क्या आ गया हमारे पास, डी आ गया। एक बार रीचेक कर लेते क्वेश्चन, ये हमारे पास 45 दिया हुआ था और ये 5 दिया था, तो 45 5 प्लस का था, इधर आया माइनस का, 16 में से 1 गया 15, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 5, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, आज हमने सम ऑफ एन टर्म वाले जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे सबको करा दिया है। अगली क्लास हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर होगी। आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।